नमस्कार, बनारसी थाली में मैं सिंपी अग्रहरी आपका स्वागत करती हूँ। आज हम बनाने जा रहे हैं चीज़ बर्स्ट पिज्ज़ा। इसे बनाना बहुत ही आसान है, तो आइए इसकी रेसिपी जान लेते हैं। हमने आधा कटोरी गुनगुना पानी लिया है, एक बाउल में इसे डाल लेते हैं। और इसमें अब हम डालेंगे 2 छोटे चम्मच ईस्ट। ईस्ट डालने के बाद हम इसे बाउल को कवर कर लेंगे जिससे इसमें हवा ना जाए। 10 मिनट के लिए इसे छोड़ देते हैं। 10 मिनट में ईस्ट एक्टिवेट हो जाता है। उसके बाद हम 1.5 कप मैदा ऐड करेंगे। इसमें 1 छोटा चम्मच चीनी डाल देते हैं, 1/2 चम्मच नमक डाल देते हैं। और अब हम इसे मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। इसके बाद हम गुनगुने पानी से इसे गूंथ लेंगे। गूंथ कर हम इसे सॉफ्ट सा आटा तैयार कर लेते हैं। थोड़ा सा हम इसमें ऑयल का इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि ये थोड़ा चिपचिपा है। और इसे अच्छी तरह से मसल कर गूंथ लेते हैं। और इसे हम 20 मिनट के लिए एल्युमिनियम फॉइल से कवर कर देंगे। 20 मिनट के लिए हम इसे रेस्ट करने के लिए छोड़ देते हैं और इसे किसी गर्म जगह पर रख देते हैं, हल्के गर्म जगह पर। 20 मिनट के बाद ये फूल का डबल हो जाता है, आप देख सकते हैं। और इसे हम एक बार फिर से मसल कर गूंथेंगे। ये थोड़ा सा चिपचिपा है, इसके लिए हम इसमें 2 चम्मच तेल ऐड कर रहे हैं। आप चाहे तो बटर भी ऐड कर सकते हैं। और इसे फिर से हम गूंथेंगे, अच्छी तरह से नीट कर लेते हैं। जितना ज़्यादा हम इसे नीट करेंगे उतना ही सॉफ्ट बेस तैयार होगा। तो थोड़ा सा हम इसे नीट कर लेते हैं अच्छी तरह से। और ये सॉफ्ट आटा तैयार हो चुका है। इसे हम 2 पार्ट में अलग कर लेते हैं। एक पार्ट को हमने बड़ा रखा है, दूसरे पार्ट को छोटा रखा है। हम इसमें एक बड़ा बेस तैयार करेंगे और एक छोटा बेस तैयार करना है हमको। तो हम थोड़ा सा मैदा डस्ट कर लेते हैं और अब हम एक पतला सा बेस तैयार करेंगे। बेस को मोटा ना रखें क्योंकि कई बार होता है कि ऊपर से पकने के बाद भी अंदर से थोड़ा थोड़ा कच्चा रह जाता है, इसलिए बेस को पतला ही रखें ताकि ये अच्छी तरह से पक जाए। आप देख सकते हैं इतना पतला हमने रखा है। और अब हम बेकिंग ट्रे ले लेते हैं, उस पर हम बटर स्प्रेड कर लेते हैं। आप चाहे तो पिज्ज़ा पैन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम ट्रे पर बेस को रखेंगे और इसे एक फोक से इसमें होल कर लेते हैं। चारों तरफ अच्छी तरह से होल कर लेते हैं ताकि ये फूले ना बीच बीच से। होल करने के बाद हम इस पर चीज़ का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर हमने स्प्रेड चीज़ लिया है और थोड़ा थोड़ा किनारों को छोड़कर ही चीज़ को फैलाते हैं बेस पर। आप चाहें तो चीज़ स्लाइस का भी यूज कर सकते हैं। इस पे अच्छी तरह से हमने चीज़ स्प्रेड लगा लिया है, काफ़ी चीज़ लगाया है और अच्छी तरह से कवर कर लिया है बेस को। थोड़ा थोड़ा सा किनारों को छोड़ दिया है और हम छोटा बेस तैयार कर लेते हैं। उसी तरह से पतला बनाना है और फिर से फोक यूज करेंगे और होल कर लेते हैं। अब इसे हम एक पैन में सेक लेते हैं। पैन को हल्का गर्म किया है और दोनों साइड से इसे सेक लेते हैं हल्का हल्का, क्योंकि इस पर अभी हमें वेजिटेबल भी और सॉस चीज़ ऐड करना है। तो ये थोड़ा धीरे पकेगा, इसलिए हम पहले से सेक लेते हैं। और अब हम छोटे बेस पर बटर लगाते हैं। बटर लगाने के बाद 2 चम्मच पिज्ज़ा सॉस लगा देते हैं। अच्छी तरह से छोटे वाले बेस को कवर कर लेते हैं सॉस से। और बड़े बेस के किनारों से हम इसे लॉक कर लेते हैं छोटे बेस को, ताकि ये खुले ना और चीज़ बाहर ना आए। इसे अच्छी तरह से दबा कर लॉक कर दीजिए। एक बार और दबा देते हैं फोक से, ये अच्छी तरह से ऐसे पैक हो जाएगा, चीज़ बिल्कुल भी बाहर नहीं आएगा। तो हमने लॉक कर दिया है बड़े बेस को। और अब हम मोजरेला चीज़ डालेंगे इस पर। अच्छी तरह से ग्रेट कर लेते हैं, फैला लेते हैं
और इस पे अब हम वेजिटेबल ऐड करेंगे। हमने टमाटर को लंबा लंबा काट लिया है और इसके बीज को अलग कर लिया है। इसके बाद हम शिमला मिर्च, गोल्ड कॉर्न ऐड करेंगे। आप अपने पसंद के वेजिटेबल्स यूज कर सकते हैं। और लास्ट में हमने अनियन स्लाइस भी डाला है इस पे। उसके बाद मोजरेला चीज़ को एक बार फिर से ग्रेट करेंगे इस पर। चीज़ का इस्तेमाल हमने भरपूर किया है ताकि ये ज़्यादा टेस्टी बने। और अब हम इसे ओवन में शिफ्ट कर देते हैं 10 मिनट के लिए, और हाई फ्लेम पे हमें इसे रखना है। 10 मिनट में ये रेडी हो चुका है, आप देख सकते हैं ये बहुत ही लाजवाब दिख रहा है। और अब हम इसे कट करके दिखाते हैं। आप देख सकते हैं मोजरेला चीज़ किस तरह से दिख रहा है, खींचा खींचा। ये देखिए इसके जो तारे हो किस तरह से दिख रही हैं। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, लाइक और शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।